अब आइए बात करते हैं 12 राशियों के बारे में, क्या इसकी 12 राशियों की क्या स्थिति है, किसकी प्रगति होगी, कौन विदेश जाएगा, किसके घर में किलकारी गूंजेगी, किसके घर में शहनाई बजेगी, कौन भूमि भवन खरीदेगा, सारी बात हम आपको बताएंगे, किसका आध्यात्मिक विकास होगा, किसको शिक्षा, किससे नौकरी मिलेगी, कौन आयात निर्यात करेगा, किस अंक के प्रयोग करने से आपका भाग्योदय होगा, किस रंग के प्रयोग करने से आपकी प्रगति होगी, सावधानी क्या बरतने, उपाय क्या करना है। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जो मेष राशि के जातक हैं, आज आप अगर किसी लक्ष्य के प्रति लग जाएंगे तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी। टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर कार्य करने की जरूरत है। प्रॉपर्टी में जो विवाद चल रहा होगा समाप्त होगा, सरकार से लाभ मिलेगा, दूर देश की यात्रा होगी, आध्यात्मिक विकास होगा और कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। आज आपको माता दुर्गा देवी को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का पुष्प माता दुर्गा देवी को अर्पित करें। कनेर है, गुड़हल है, गुलाब है, लाल कमल है, इससे माता दुर्गा देवी की आराधना करिए। इससे माँ दुर्गा देवी अति प्रसन्न होंगी और आपकी कुंडली में अगर मंगल से जनित परेशानी आए वो भी दूर होगा, आप उत्तरोत्तर प्रगति करेंगे। उपाय क्या करना है, आज आपको क्या करना है कि दुर्गा देवी का कवच, कीलक और अर्घला का पाठ करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। शुभ अंक एक, शुभ रंग केसरिया। जय माता दी। बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि के जातक हैं, आज आपके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन आपका शानदार व्यतीत होगा, पिता का सुख मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी, रोजी रोजगार के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा, शेयर ट्रेडिंग से धन लाभ मिलेगा, दूर देश की यात्रा हो सकती है, आयात निर्यात से स्थिति मजबूत होगी, नए तरह के कार्य होने से धन की स्थिति अच्छी होगी। माँ दुर्गा देवी को प्रसन्न करने के लिए आप क्या करें कि श्वेत रंग का कमल, गुड़हल और कनेर, सदाबहार, बेला, हरसिंगार इत्यादि पुष्प से माता दुर्गा देवी की आराधना करिए। इससे माँ दुर्गा देवी अति प्रसन्न होंगी और प्रसन्न होने के साथ साथ आपका शुक्र ग्रह भी मजबूत होगा, तो आपके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। उपाय क्या करना है, माता दुर्गा जी के 32 नाम का पाठ जरूर करें, आपके लिए लाभप्रद रहेगा। शुभ अंक दो, शुभ रंग सफेद। जय माता दी। बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि वाले जातक हैं, आज आपकी सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होगी, जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो पूर्ण होते हुए दिख रहा है। सरकार से लाभ मिलेगा, राजनीति में आज महत्वपूर्ण पद प्राप्त करेंगे, शेयर ट्रेडिंग में अगर पूंजी निवेश करते तो आपके लिए अच्छा रहेगा, कीमती सलाह से धन अर्जित करेंगे, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कटुता आ सकती है, माता और पत्नी में थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है। माता दुर्गा देवी को प्रसन्न करने के लिए कनेर, गुड़हल और द्रोण पुष्पी इत्यादि से पुष्प से माता दुर्गा देवी की आराधना करना आपके लिए अच्छा रहेगा और इस अभीष्ट कार्य की सिद्धि प्राप्त होगी। साथ ही साथ आपकी कुंडली में बुध ग्रह भी मजबूत होगा। उपाय क्या करना है, आज आपको सिद्ध कुंज का स्त्रोत्र का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक दो, शुभ रंग है सी ग्रीन। जय माता दी। बात करते हैं कर्क राशि की। जो कर्क राशि के जातक हैं, आज का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा है, तो अपनी ऊर्जा एकाग्र होकर के लगाइए और भटकाव से बचें, पारिवारिक स्थिति शानदार होगी, माता पिता का सुख मिलेगा, भाइयों का सुख मिलेगा, घर परिवार में नए तरह के व्यापार से लाभ मिलेगा, बच्चों से प्रगति होगी, बच्चों के प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा, सरकारी नौकरी उच्च पद की प्राप्ति का भी योग बन रहा है। माता दुर्गा देवी को प्रसन्न करने के लिए श्वेत कमल, श्वेत कनेर, गेंदा, सदाबहार, चमेली इत्यादि और रात रानी पुष्प से माता दुर्गा देवी की आराधना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे माँ दुर्गा देवी अति प्रसन्न होंगी आप पर और आपके परिवार उनकी कृपा से आगे बढ़ेगा, साथ ही साथ चंद्रमा से संबंधित परेशानियाँ भी दूर होंगी। उपाय क्या करना है, सब श्लोक की माता दुर्गा की आराधना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है दो, शुभ रंग है सफेद। जय माता दी। बात करते हैं सिंह राशि की। जो सिंह राशि के जातक हैं, आज आपके सुख समृद्धि ऐश्वर्य में बढ़ोतरी होगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे और अपने इंट्यूशन से आप आगे बढ़ेंगे, इंट्यूशन की बात सुने और प्रयासरत कार्यों में सफलता मिलेगी, भूमि भवन से लाभ मिलेगा, सरकार से लाभ मिलेगा, राजनीति में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और उच्च पद प्राप्ति का भी योग बन रहा है। आज आपको क्या करना है कि माता दुर्गा देवी को प्रसन्न करने के लिए आप कमल का पुष्प, गुलाब, कनेर, गुड़हल इत्यादि से माँ दुर्गा देवी की आराधना करिए, जिससे माँ दुर्गा देवी आप पर अति प्रसन्न होंगी और साथ ही साथ सूर्यदेव की भी कृपा पर बरसेगी। उपाय क्या करना है, अर्घला स्त्रोत्र का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक एक, शुभ रंग है केसरिया। जय माता दी। बात करते हैं कन्या राशि की। जो कन्या राशि के जातक हैं, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा, शेयर ट्रेडिंग फाइनेंस के मामलों में आज आपकी बढ़ोतरी होगी, फाइनेंस की स्थिति बड़ी मजबूत होगी, आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा, रोग और शत्रु परास्त होंगे
और राजनीतिक लाभ मिलेगा, सरकार से लाभ मिलेगा, उच्च पद प्राप्ति का योग बन रहा है, बच्चों की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। माता दुर्गा देवी को खुश करने के लिए गुड़हल, गुलाब, गेंदा, हर श्रृंगार इत्यादि पुष्प से माँ दुर्गा देवी की आराधना करिए और साथ ही साथ आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। और ऐसा पूजा करने से माता दुर्गा देवी के साथ साथ बुध ग्रह भी आपसे प्रसन्न होगा और अनुकूल फल देगा। उपाय क्या करना, तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा, जय माता दी। बात करते हैं तुला राशि की। जो तुला राशि के जातक हैं, आज का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आप बहुत सेंसिटिव हैं, छोटी छोटी बातें आपको खराब लगती है। माता पिता का सुख मिलेगा, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ पूर्ण होंगी, व्यापारिक स्थिति अच्छी होगी, समाज में आपका महत्व बढ़ेगा और कई महत्वपूर्ण कार्य होने से मन प्रसन्न रहेगा। पदोन्नत होने की भी संभावना बन रही है। माता दुर्गा देवी को प्रसन्न करने के लिए श्वेत कमल, श्वेत कनेर, गेंदा, गुड़हल, हर श्रृंगार, सदाबहार, केवड़ा, चमेली इत्यादि पुष्प से माँ भगवती की आराधना करें, जिसके लिए अनुकूलता रहेगा और अनुकूल फल की प्राप्ति होगी और इसके साथ ही साथ शुक्र ग्रह भी आपके लिए अनुकूल होगा। उपाय क्या करना है, माता दुर्गा जी के 32 नाम का जप करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। शुभ अंक 2, शुभ रंग है नीला, जय माता दी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज आपको प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। कोर्ट कचहरी में अगर कोई भी विवाद चल रहा हो, उसमें आपको सफलता मिलेगी। एग्रेशन से बचें, जो बात आपको खराब लगती है उस तरह का व्यवहार दूसरों के साथ न करें। प्रॉपर्टी आज खरीदने के अवसर मिलेंगे, सरकार से लाभ मिलेगा और अगर पुलिस में है या सेना में है तो आज आपकी पदोन्नत होगी, आपको पुरस्कार मिल सकता है। माता दुर्गा देवी को प्रसन्न करने के लिए लाल पुष्प, पीला पुष्प, गुलाबी पुष्प इत्यादि से माँ दुर्गा की आराधना करिए और साथ ही साथ लाल कमल से पूजा करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी, साथ ही साथ आप पर मंगल देव की के भी कृपा प्राप्त होगी। उपाय क्या करना है, तंत्रोक्त देवी सुख का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आज के लिए शुभ अंक है 9, शुभ रंग है पीला, जय माता दी। बात करते हैं धनु राशि की। जो धनु राशि के जातक हैं, आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ है। जितना जोखिम भरा कार्य करेंगे उतनी बड़ी सफलता मिलेगी, जितना मेहनत करेंगे उससे बड़ी सफलता मिलेगी। माली हालत अच्छी होगी, माता पिता का सुख मिलेगा, पत्नी से थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्ति का योग बन रहा है, वाइस चांसलर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, रीडर हो सकते हैं। आज आपको शिक्षा में काफ़ी प्रगति होगी, नए तरह के कार्य करने की संभावना बन रही है, संततियों का लाभ मिलेगा। माता दुर्गा देवी को प्रसन्न करने के लिए कमल का पुष्प, कनेर, गुड़हल, गुलाब इत्यादि पुष्प से माता दुर्गा देवी की आराधना करिए और इससे माँ दुर्गा देवी की आशीर्वाद प्राप्त होगा, साथ ही साथ बृहस्पति ग्रह की भी आप पर कृपा बरसेगी। उपाय क्या करना है, सिद्ध कुंज का स्त्रोत्र का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 8, शुभ रंग केसरिया, जय माता दी। बात करते हैं मकर राशि की। जो मकर राशि के जातक हैं, आज का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा है। दूर देश की यात्रा होगी, कंस्ट्रक्शन, माइंस, रियल इस्टेट प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। यदि इंडस्ट्री इत्यादि लगाना चाहते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होगा, गाड़ी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा, संततियों का सुख मिलेगा। आज माता दुर्गा देवी को प्रसन्न करने के लिए नीला पुष्प, कमल, गेंदा, गुलाब, गुड़हल इत्यादि से माँ शक्ति की आराधना करिए और माँ दुर्गा देवी की आराधना करने से आप पर उनकी कृपा बरसेगी और साथ ही साथ शनि ग्रह की भी कृपा पर बरसेगी। उपाय क्या करना है, कवच उमकीला का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आज के लिए शुभ अंक 4, शुभ रंग हल्का ग्रे, जय माता दी। बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक हैं, आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ है। कई महत्वपूर्ण कार्य होंगे, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। इंडस्ट्री तहत लगाते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होगा, परेशानियां दूर होंगी, घर में शुभ और मांगलिक कार्य होने की संभावना बन रही है। पिता से लाभ मिलेगा, माता और पत्नी से थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है। माता दुर्गा देवी को प्रसन्न करने के लिए नीले रंग का पुष्प, गेंदा और गुड़हल, बेला, चमेली, रात रानी इत्यादि पुष्प से माँ भगवती की आराधना करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और माता दुर्गा देवी के साथ साथ शनि ग्रह से संबंधित परेशानियां भी दूर होंगी। उपाय क्या करना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 4, शुभ रंग है लाल, जय माता दी। बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। जो मीन राशि के जातक हैं, आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ है। पांडित्य कर्म में रुचि बढ़ेगी, आध्यात्मिक विकास होगा, आध्यात्मिक यात्रा से मन प्रसन्न रहेगा। रियल इस्टेट प्रॉपर्टी में अगर कोई पूंजी निवेश करते हैं तो सावधानी बरतें, आंख बंद करके कोई चीज़ पर भरोसा न करें और अपने इनर सेंस की बात माने। शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, उच्च पद प्राप्ति का योग बन रहा है, परेशानियां दूर होंगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे। माता दुर्गा देवी को प्रसन्न करने के लिए पीले कनेर और गुड़हल, कमल इत्यादि पुष्प से माता दुर्गा देवी की आराधना करिए, इससे माँ दुर्गा देवी
प्रसन्न होंगी और साथ ही साथ बृहस्पति ग्रह से संबंधित जो परेशानियां दूर होंगी। उपाय क्या करना है, दुर्गा कवच का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 3, शुभ रंग पिंक, जय माता दी। अब हम बात करते हैं आज के दिन जन्मे जातकों के बारे में। आज है 10 अक्टूबर 2024। आज जिन दर्शकों का जन्मदिन, उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। आपका जन्मदिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप खूब प्रगति करिए, आगे बढ़िए और आपका चतुर्दिक विकास हो, आपके परिवार पर माँ भगवती देवी की कृपा बरसे। हैप्पी बर्थडे। आज जिन दर्शकों का जन्मदिन है उनका मूलांक होता है 1, तो 1, 10, 19 और 28 तिथि के जो जन्म जाता है तो उनका मूलांक होता है 1। एक नंबर बड़ा महत्वपूर्ण अंक है। इस तरह के लोग बड़े ही जबरदस्त होते हैं, इनका व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली होता है, निर्णय लेने की क्षमता होती है, त्वरित निर्णय लेते हैं और प्रशासनिक गुण इनके अंदर होता है, राजनीति में बड़े पद पर जाते हैं और प्रशासन में काफ़ी आगे बढ़ते हैं, नेतृत्व करने की क्षमता इनके अंदर अद्भुत होती है, ये किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते। देखा जाए तो वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा है, दूर देश की यात्रा होगी, धन लाभ होगा, प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदेंगे, राजनीति में लाभ मिलेगा और बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, सरकार में है तो आज आपको बड़े उच्च पद प्राप्ति का भी योग बन रहा है। आपके लिए जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि यह वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, दूर देश की यात्रा होगा, एकेडमिक करियर अच्छा होगा, प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा, माता पिता का सुख मिलेगा। देखा जाए तो जनवरी से लेकर के जून तक का पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा है, उत्तरोत्तर विकास, प्रगति और काफ़ी आगे बढ़ेंगे, सभी परेशानियाँ दूर होंगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे। पुनः जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने आपके लिए काफ़ी प्रतिकूल है, दिक्कतें आएंगी और कई तरह की परेशानियाँ आ सकती हैं। पुनः नवंबर, दिसंबर आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, दूर देश की यात्रा होगी, प्रगति होगी और कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। पुनः आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे, जय माता दी। अब बात करते हैं गुरु के नुस्खे की। गुरु के नुस्खे में आज हम आपको बताएंगे कि यह समय नवरात्रि का चल रहा है। नवरात्रि में अगर आप अपने रोग और शत्रु से परेशान हैं तो आप क्या करें कि कवच, किलक, अर्गला का पाठ करें, आपके रोग और शत्रु परास्त होंगे, आप उत्तरोत्तर प्रगति करेंगे, आगे बढ़ेंगे। शादी विवाह में दिक्कत होती है तो माँ कात्यायनी देवी की पूजा करें, आपकी सभी परेशानियाँ दूर होंगी। जिनको संतान होने में दिक्कत हो रही हो, स्कंद माता की आराधना करें, स्कंद माता की कृपा से आपको संतान प्राप्ति का लाभ मिलेगा और घर में सुख समृद्धि, ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। इस तरीके से छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को सुखमय आप कर सकते हैं।